हेलो दोस्तों, मिस्टीरियस फैक्ट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, कभी कभी धरती पर किसी के साथ ऐसी ऐसी घटनाएं घट जाती है जो लोगों को हैरान तो करती ही है, साथ ही साथ उनका रहस्य भी ऐसा रहता है जो किसी से सुलझता नहीं है। ऐसे ही एक रहस्यमय कहानी है अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में रहने वाले डॉन डेकर की, जिन्हें दुनिया द रेन मैन के नाम से जानती है। डॉन डेकर के साथ घटी घटना दुनिया के उन चुनिंदा घटनाओं में से एक है जो आज भी अनसुलझी ही है। वो जहाँ भी जाते थे वहाँ अचानक बारिश शुरू हो जाती थी। दोस्तों, हमें अपने व्यूवर से अनुरोध है इस रहस्यमय आदमी के बारे में जानने के लिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। यह घटना साल 1983 की है। उस समय डॉन डेकर की उम्र करीब 21 साल थी और वो संपत्ति से जुड़े चोरी के मामले में जेल गए थे। बात फरवरी की है। डॉन के दादाजी की अचानक मौत हो गई, जिसके बाद उसे अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए कुछ दिनों के लिए जेल से रिहा किया गया। इस सब के बाद डॉन अपने दोस्त के घर रुक गया। डॉन का दोस्त किराए के मकान में रहता था। उसके साथ और भी दोस्त रहते थे। सभी लोग हॉल में बैठे हुए थे कि अचानक छत से पानी की बूंदें टपकने लगी। जब छत की जांच की गई तो वहाँ किसी को भी ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे पता चले कि पानी की बूंदें कहाँ से आ रही है। इसमें सबसे हैरान करने वाली बात ये थी, बूंदें सिर्फ हॉल में ही गिर रही थी जहाँ डॉन बैठा हुआ था। इस बीच डॉन को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। डॉन के बाहर आते ही अचानक बारिश रुक गई। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था ऐसे कैसे हुआ। ऐसी ही एक घटना डॉन के साथ होटल में घटी थी। वो जैसे ही होटल में पहुंचे अचानक बारिश शुरू हो गई। यह देखकर होटल के मालिक को लगा कि डॉन के ऊपर किसी भूत का साया है, इसलिए होटल के मालिक ने डॉन के शरीर पर पवित्र क्रॉस सटा दिया। ऐसा करते ही डॉन की त्वचा अचानक जल गई। हालांकि होटल से बाहर जाते ही डॉन फिर से ठीक हो गए और बारिश भी रुक गई। अब उन्हें ये समझ में आ गया था कि सिर्फ घर के अंदर ही उनके साथ ऐसा होता है। इस बीच जेल ओर से डॉन को दिया गया समय खत्म हो गया और वो फिर से जेल चला गया, लेकिन वहाँ भी उसके साथ वैसा ही हादसा हुआ। अब जेल में मौजूद पुलिसकर्मी ये देखकर हैरान थे क्योंकि उन्हें आज से पहले ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला था। बाद में जब उसकी सूचना जेल अधिकारी को दी गई तो चर्च से एक फादर को बुलाया गया। कहते हैं फादर ने जैसे ही कमरे के अंदर बाइबल पढ़ना शुरू किया, बाइबल के अलावा मौजूद सारी चीजें बारिश से भीग गई। हालांकि थोड़ी देर में बाइबल पढ़ते पढ़ते ही बारिश अचानक रुक गई। यह डॉन के साथ हुई अंतिम घटना थी। इसके बाद उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जेल में हुई इस घटना के कई गवाह थे, इसमें पुलिसकर्मी भी शामिल थे। कुछ सालों बाद डॉन ने एक टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में बताया शायद उसके दादाजी उसके साथ वो सब कर रहे थे। कुछ लोग डॉन के साथ हुई उन घटनाओं पर विश्वास नहीं रखते, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसे अलौकिक मानते हैं। लेकिन आज भी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर इस पर शोध कर रहे हैं। अब तक उन्हें इन घटनाओं के पीछे का राज समझ नहीं आया। तो दोस्तों, आप कमेंट करके बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी, और ऐसे ही दुनिया के अनसुलझे रहस्यों को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगली ऐसी ही वीडियो के साथ। धन्यवाद।